हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। और जैसे कि आप जानते हैं, इस साल CUET PG फॉर LLB फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ एक नए पैटर्न पर। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, एस्पिरेंट्स अभी बाहर नहीं आए एग्जाम हॉल से, तब जाके पता लगेगा कि कैसा इस साल का एंट्रेंस रहा था, कौन से सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए और बच्चों को क्या दिक्कत आई है। तो अभी उनके आने का वेट करते हैं और उसके बाद फिर जानेंगे उनसे कि क्या सिलसिला रहा इस साल के CUET PG का। कैसा हुआ ईशा पेपर? अच्छा था। क्या मतलब क्या सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे? सबसे ज्यादा रीजनिंग और मैथ सिमिलर थी। अच्छा, कितने कितने क्वेश्चन आए होंगे रीजनिंग और मैथ से? 15 to 20 टोटल या ईच? ईच। और बाकी पॉलिटी से? तो रेयरली 2-4 क्वेश्चन थे, 2 या 4 क्वेश्चन। और करंट अफेयर? करंट अफेयर भी 2 या 4 ऐसे थे बस। और GS? GS थी, 7 to 8 क्वेश्चन थे। तो सबसे ज्यादा पोर्शन कहाँ से पूछा गया है? रीजनिंग और मैथ्स। हाँ। और उसके अलावा कंप्यूटर्स? कंप्यूटर से भी 7 to 8 क्वेश्चन थे। 7 to 8। तो पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था या टफ? मॉडरेट था। पिछले साल आपने दिया था पेपर, तो पिछले साल से टफ था या इजी? क्योंकि सिलेबस चेंज है तो मुझे टफ लग रहा था पिछले साल से। और कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? 57 अटेम्प्ट्स किए हैं। तो एक वन ऑफ द एस्पिरेंट्स का रिव्यू है विद रिगार्ड टू CUET PG। अभी और को आने देते हैं, उनसे भी रिव्यू ले लेंगे। वही सब मैंने देखे। तो कितने क्वेश्चंस होंगे मैथ्स और रीजनिंग से लगभग? 25 अराउंड तो थे, मैथ्स के भी ज़्यादा थे और रीजनिंग के भी ज़्यादा थे, और जनरल एप्टीट्यूड भी सही था। मतलब सबसे ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग ही था आज के पेपर में? आज के पेपर में सबसे ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग था। इंग्लिश भी मतलब था। GS करंट अफेयर कितना रहा होगा? GS करंट अफेयर्स के कुछ ही क्वेश्चन थे, ऐसे ज़्यादा नहीं थे। करंट अफेयर्स के तो बहुत ही कम थे। और कंप्यूटर अवेयरनेस? कंप्यूटर अवेयरनेस के भी थे, मतलब जिस टाइप से कि एक अलग से सब्जेक्ट ले लिया गया था कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चंस नहीं थे। नहीं। और इंग्लिश का लेवल? हाँ, इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। तो सबसे मुश्किल कौन सा था इसमें से? तो मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग को टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल भी, तो इसलिए मेरे लिए मैथ्स। तो एक अपनी कोचिंग का बच्चा भी मिल गया हमें और काफ़ी अच्छा रिव्यू दे रहे हैं पेपर का, क्योंकि मैथ्स पढ़ी थी हमारे से। मैथ्स पढ़ा था और क्या पढ़ा था? सारे GS और बाकी तो सारे। पर फ़ायदा ये हो गया है कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे और मैथ्स से काफ़ी अच्छे से बना के आ गई हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? टोटल 88, जिसमें से मैथ्स के थे 26 to 27 क्वेश्चन लगभग। तो 88 क्वेश्चन आपने बनाए हैं, तो मैथ्स क्या तो विद एक्यूरेसी बनाया होगा, क्योंकि ऑप्शंस में दिख जाता है वो अगर आप सॉल्व करे हो तो। मतलब 1 or 2 क्वेश्चंस में डाउट था जो कि नहीं आ रहे थे, बट वो मार्क फॉर रिव्यू में डाल रखा था, बाद में देखा तो उसका कुछ नहीं किया। एडवांस मैथ्स ज़्यादा थी या परसेंटेज और वो वाला अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज़्यादा था? अर्थमेटिक भी था, परसेंटेज वगैरह भी था, पाइप्स एंड सिस्टम से भी थे, डिस्काउंट का भी था। सबसे टफ पोर्शन कौन सा था पेपर का आज का? मैथ्स का ही। मैथ्स का ही सबसे टफ था। इंग्लिश ईजी थी? और कह रहे हैं GS और करंट अफेयर पता नहीं कब के पुराने वुराने, कब से पूछ लिए थे उन्होंने GS VS के क्वेश्चंस? तो कुछ खास था ही नहीं, बाकी GS का वो गांधी जी वाला था कि उन्होंने कहाँ से अपनी वो शुरू की थी, और बाकी 2-3 क्वेश्चंस और ऐसे थे। अच्छा, बस इतना ही था। इकोनॉमिक्स और ये सब कुछ नहीं था? बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन थे और बायो के थे, फिजिक्स का कुछ इतना खास नहीं था। ओवरऑल पेपर वैसे ठीक था पर मैथ्स टफ थी, और मैथ्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे को लगता है लीगल पेडागॉजी से एक सिलेक्शन तो हम लेके जा रहे हैं पक्का इस वाले सेंटर से। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने MCQs में वैसे देख के गया था और 10 के करीब आए होंगे GS के क्वेश्चन। और करंट अफेयर? करंट अफेयर भी बहुत कम था, 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन थे खाली करंट अफेयर के? 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, पूरा उसका मतलब सेक्शन अलग था, बाकी मैक्सिमम मैथ्स थी। और कंप्यूटर अवेयरनेस? कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 to 6 क्वेश्चन थे। कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? 76। तो लेवल पिछले साल से ईजी था या टफ? टफ था, और उसका मतलब सिलेबस चेंज होने की वजह से क्वेश्चन का जो मतलब तरीके हैं वो भी काफ़ी चेंज हो रखे हैं, क्योंकि रीजनिंग पहले टाइम जो आई थी वो काफ़ी ईजी थी, इस बार थोड़ा मेरे हिसाब से SSC लेवल का दे रखा था। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था 2 घंटे में? हाँ, एग्ज़ाम पूरे टाइम में ख़त्म हो गया था। तो एज़ पर द रिव्यू ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, इट इज़ विजिबल कि इस साल जो पेपर आया है वो SSC पैटर्न पे बेस्ड आया है, जिसकी वजह से जो लोग खाली DU LLB स्पेसिफिक तैयारी कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी मुश्किल थी और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से पेपर SSC एस्पिरेंट ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आई अटेम्प्टेड इट वाज 80। अरे कोई नहीं, अपने हिंदी वाला क्राउड है यार, बिल्कुल हिंदी में चलो देसी। ठीक है यार, 80 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे, एंड एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ SSC CGL
मेरे लिए क्वेश्चन, मेरे लिए एग्जाम बहुत ईजी था कंपेरेटिवली, बिकॉज लॉ का पैटर्न। तो भाई क्या SSC ऐसा पेपर था क्या? SSC वालों के लिए बहुत ईजी पेपर है, लॉ वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं है पेपर इसमें। तो इस एंट्रेंस को फिर लॉ की जगह SSC वालों के लिए बना देना चाहिए, क्यों बेचारों का बाकी होगा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। एक बात मैं आप सभी को पर बताना चाहूँगा कि ऑल्दो SSC के एस्पिरेंट्स ऑल ओवर इंडिया इस पेपर को दे रहे होंगे, और UP बिहार से जो बच्चे होते हैं मोस्टली SSC वाले, वो BHU को प्रेफरेंस देते हैं ओवर DU। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल BHU की कट ऑफ DU से ऊपर रहने वाली है, क्योंकि जो SSC के एस्पिरेंट्स हैं वो मोस्टली BHU को प्रेफरेंस देंगे ओवर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, निराश ना हो, अभी वेट करिए, आंसर की का वेट करिए और कट ऑफ आने का वेट करिए, उससे पहले कोई भी प्रिडिक्शन के ऊपर अपना कंक्लूजन ना निकालें।